पहले एक ऑडियो सुना। कोई बात बताता हूँ, मैंने बोला कि 120 ट्रक के साथ काफिला आ रहा है, तो जंतर मंतर पर कौन ले जाने देगा भाई ट्रकों को? मेरे को कोई ले जाने देगा? अरे चूतिए, ठीक है, ये तो पहले तुमको सोचना चाहिए था ना, कि जंतर मंतर में ले जाने देगा, ये मुखर्जी नगर में ले जाने देगा तेरी औकात। तू आया डोन साला, महिलाओं पे बात करने वाले डोन होते हैं क्या साला? हरामी होता हो साला। हम किसी की माँ बहन की बात नहीं करते, किसी माँ बहन के बारे में बात नहीं करते, किसी और की भी अगर माँ बहन के बारे में कोई बात करे ना साला, गर्दन काट दे हम उसकी। बावली तरेड़ पूजा मैम वाले विराट, हाँ पूजा मैम के हैं, नहीं तो क्या तेरी के हैं? और पूजा मैम अच्छा हुआ तूने बोला, मैं तो पूजा मैम बोला तो पूजा मैम ही बोलता, वेंचो इससे नीचे बोलता तो तेरा पिछवाड़ा तोड़ देता मैं वहां बिहार आके ही, बोल के देख ले तू। और ये फेक पौधी हो बावली तरेड़, ये देख तेरे बाप ने नहीं खींच रखी है पोटवे, ये किसी सर्कस की नहीं है, किसी सर्कस की नहीं है साले, ठीक है? 5 साल सर्विस की है, वहां पे मैं सिपाही के पद पर था, अगर मैं 20 साल सर्विस करता सिपाही के पद पर रहता, एक बच्चे की भी मदद नहीं कर पाता, ठीक है? मैंने 5 साल सेवा की देश की, क्योंकि मेरे में जुनून था, मैं अपनी एकेडमी उससे पहले भी चलाता था, उसको बंद करके गया, 5 साल देश की सेवा की पहले, क्योंकि मेरे को जुनून था देश सेवा का, इसलिए गया। उसके बाद मैं स्वैच्छिक अपना रिजाइन देके कि नहीं मैं इतनी सेवा करूंगा, और फिर मैंने अगली वीडियो बना के तेरे, अगली वीडियो भी आएगी तेरे खिलाफ, ठीक है? शेयर करो सब उस चूतिया के पास, ठोको लाइक एकदम। हाँ पूजा मैम लव यू भाई, छोड़ो ना यार। दूसरी बात, मैंने सोचा कि चलो यार पूजा मैम की क्या बात लूँ, तो इस चूतिया ने इस भोसड़ी ने गाली क्यों दिया? हाँ दूसरा क्या बोला कि मैंने फौज में सेवा दी है, अबे काय का सेवा दी है चूतिए, सेवा काय का दी है? तूने नौकरी की है, इसके बदले में सरकार से पैसे लिए हैं, ठीक है? और दूसरी क्या बोली, मैंने 6 साल फौज में 5 साल फौज में सेवा दी है, उसके बाद मैं बच्चों की सेवा दे रहा हूँ, 1.5 लाख फीस लेके बच्चों की सेवा दे रहा। हाँ साल का 1.5 लाख रुपये एक बार फीस लेता आर्मी की तैयारी करने का, आर्मी की तैयारी, कितने बच्चे तेरे 1600 मीटर के निकले हैं जाके देख लेना मेरे चैनल पे, 4, 18, 1600 का बेस्ट टाइमिंग है, तेरे 1 भी 1600 का टाइमिंग है देखा है? और तेरे राजस्थान का छोरा ही है, बोलेगा तो उसके साथ बात करा दूंगा, ठीक है? और मेरा 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 जो स्टूडेंट है पैरा कमांडो में हुआ है, तू कमांडो है तेरे से तैयार करता हूँ मैं। मैंने तेरा ही नाम ना लिया तेरे पिछवाड़े की शक्ल का, रात की तेरी रिकॉर्डिंग है, रात को तू हाथ जोड़ के मेरे से माफी मांग रहा था, पीछे से 4 व्यूज के लिए तू वो क्या नाम वीडियो बना रहा है, रात को तूने हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा था तू मेरे से, वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मेरे को बोलता है ये रिकॉर्डिंग डाल दो, मैं क्यों डाल दूं भाई तेरी रिकॉर्डिंग? वो तो चूतिया है, नहीं उसको बोलता है पूजा मैम बोला, अरे पूजा मैम बोला लेकिन बोला क्यों? मैं तो ये बोलता हूँ कि बोला क्यों तुमको मेरी पत्नी से लेना देना, क्या अपनी वाइफ का नाम लेना क्यों भाई वहां आंदोलन में, क्या नाम पूजा मैम का? और चलो ये चीज एक बहुत अच्छी लगी मुझे कि आज तक मेरी पत्नी को ये बोला जाता था कि ये विराट सर की वाइफ है, ये प्राउड मोमेंट है कि मेरी पत्नी को भी दुनिया जानती है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मुझे किसी ने बोला कि ये पूजा वाला विराट है, ये बहुत प्राउड की बात है किसी की पत्नी के नाम से किसी पति को जाना जाए, आई थिंक इससे प्राउड की कोई बात नहीं होती। यानी आज मेरी माँ को लोग जानते हैं कि विराट सर की माँ है, तो मेरी माँ को उस समय बहुत फख्र होता है, तो मुझे भी बहुत फख्र है कि चलिए हमारी मैडम के भी आप वीडियो देखते हैं और देखते रहिए। अब तुम्हारी बोलते हैं वो वीडियो में ले लाता ये वीडियो में ले लाता, अरे तुम्हारी जिंदगी है नहीं जी, तुम लाओ ना लाओ, मुझे अच्छी मेरी पत्नी से मैंने तो लव मैरिज की, तो तुम बोल दो उन्होंने लव मैरिज नहीं की, वो मेरी निजी लाइफ है, ठीक है ना? वो मेरी निजी लाइफ है। दूसरी बात, क्या फौज से भगोड़ा? अरे भगोड़ा कैसे चूतिए, सबसे पहले बात तो ये सुन पिछवाड़ा, ये फोटो है मैंने पार्क में नहीं ले रखी, ये पार्क की फोटो नहीं है, मैं जो कश्मीर की फोटो, ये मध्य प्रदेश की फोटो, ये कश्मीर की फोटो, ये देख चूतिए ये छत्तीसगढ़ की फोटो, ये एके 47 तेरे पिछवाड़ा ने देखी है क्या कभी तेरे बाप दादों ने? ये वो है, ये देख इसको दिखाता हूँ तेरे को, इधर एक फोटो लग रखी है इसमें देख, ये मेरा फोर्स नंबर और सर्टिफिकेट, उसमें नीचे लिखा बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग, जानता ना? बोला कमांडो चैलेंज कर, अरे जो तू चैलेंज बता रहा ना चूतिया, वो मेरे छोटे छोटे बालक है ना 5-5 साल के, वो ही कर लेंगे, कमांडो ऐसे नहीं होते कमांडो, मेरे चैलेंज ये ऐसी एक्सरसाइज करके बता, एक्सरसाइज मेरे छोटे छोटे बालक कर लेंगे, जो अकेडमी में है ना बालक वो कर लेंगे छोटे छोटे, छोटे छोटे बालक कर लेंगे वो, ये एक्सरसाइज करके बता, वो एक्सरसाइज करके बता। अरे तुम बावड़े तरेड़, पहले तो ये बता, ये बारकोड की बात मैं बताता हूँ तुमको,
हमको तुमको बेटा पहले से पता नहीं था, हमको साफ साफ पता था। और उसने खुद ने आज यही रिकॉर्डिंग जाहिर कर दी जिसमें वो बोल रहा है कि हम बार कोड देंगे, हम पैसे मंगाएंगे, खुद बोल रहा है वो। तो हम उस चीज़ को कैसे स्वीकार कर लें, हमको चाहिए नहीं पैसा, हम कमाते हैं। तो पहली बात हो कि 5 साल देश की सेवा की है, तो मेरे को वो चतुरे वो टुच्चे आदमी मेरे को ज्ञान ना पहले, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं है, हमने 5 साल की सेवा दी है, ठीक है, और आज भी समाज सेवा और देश सेवा दोनों दिल में जिंदा है, समझे। बात समझ में आई, बावड़ी तरेड़ की तरह कर रहा है। अब इनके पास में कोई गया नहीं, हम मुकुटी नगर यहां सो रहे हैं, वो तो होटलों में सो रहे हैं। अरे तू मेरे को होटल का प्रूफ दिखा कि कौन से होटल में सोया, बता तू प्रूफ है तेरे पिछवाड़े में दम, तो बस ऐसे होटलों में सो रहे हैं।